क्वेश्चन नंबर 16, एल एम एन और इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, 1:1:1 का रेशो है, ठीक है। एल रिटायर्ड व्हेन क्रेडिट बैलेंसेस ऑन हर कैपिटल एंड करंट अकाउंट पर 100,000 एंड 40,000, तो उसके कैपिटल अकाउंट में था जनाबे वाला 100,000 और करंट अकाउंट में था 40,000। पार्टनरशिप एसेट्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स 60,000। ठीक है, हाउ मच एल पेड फ्रॉम दी पार्टनरशिप। देखें, एल के पास रखे कितने पैसे थे, 1,40,000। ठीक है, ये तो सीधी सीधी बात आ गई, तो इतने पैसे हमने उसको देने हैं। दूसरी बात ये हुई है कि जो 60,000 है, ये 60,000 तीनों को आधे आधे मिले, मतलब तीनों को बराबर मिलेंगे, एक तिहाई मिलेगा। ठीक है, तो 60 का 1/3 जो है, 6 सर नहीं, ये सिर्फ एल के अकाउंट की बात हो रही है। ये एल के अकाउंट में 1,00,000 रखे हैं, एल का कैपिटल अकाउंट है और एल का करंट अकाउंट है, तो एल के कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रखे हैं, एल के करंट अकाउंट में 40,000 रखे हैं। ये सिर्फ एल के पैसे हैं, एम और एन के पैसे नहीं है, ये एल के अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो 1,40,000 एल के करंट और कैपिटल अकाउंट में रखे हैं पैसे, ये उसको देंगे। दूसरा उसको क्या देंगे, ये जो पार्टनरशिप के एसेट्स की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, ये उसके होते में ही हुई है, उसने इस सारे अरसे में काम किया, रिस्क लिया, जो भी सारी इन्वेस्टमेंट की, तो इसका फायदा भी उसको जाना चाहिए। लेकिन इसका कितना फायदा जाएगा, इसका 1/3 जाएगा, क्योंकि वो 1/3 के रेशो में अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, तो 60,000 का 1/3 20,000 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो इसके टोटल जो बनेंगे वो 1,60,000 बनेंगे। अब इस 1,60,000 में से वो क्या कर रही है, वो ये कह रही है जनाबे वाला के आधे पैसे लेके जा रही है, कह रही है आधे पैसे मुझे मेरे कैश में दे दो, 80,000 हो गए, और बाकी आधे जो हैं ये मैं तुम लोगों को ही लोन दे रही हूँ। एकदम तुम लोगों को 1,60,000 देने पड़ जाएंगे, मुझे तो मुश्किल हो जाएगी, तो आधे मुझे दे दो, बाकी आधा कर्जा है तुम लोगों के ऊपर, ये तुम लोगों ने वापस करना है। तो जो उसकी पेमेंट होगी आधे की, वो 80,000 की होगी। ठीक है, तो हाउ मच वॉज एल पेड फ्रॉम पार्टनरशिप बैंक अकाउंट ऑन हर रिटायरमेंट, शी वुड बी पेड 80,000। समझ आ गया 80,000 कैसे बना? अच्छा, अगला देख लेते हैं जी। डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी मेड अ राइट इशू, 1 ordinary शेयर फॉर एवरी 3 held। ठीक है, रुक जाए। जो आपने किया वो आपको पता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए था। जो आपने किया मैं उसकी भी गलती अभी आपको बता दूंगा। Which amount was debited to company's account when a rights issue was made? अच्छा, जब right issue किए हैं तो कितनी amount से debit किया होगा? अच्छा, जनाबे वाला हुआ क्या? हुआ ये कि इनका एक शेयर जो है वो $1 का होता है, ठीक है। तो जो इन्होंने ये शेयर कैपिटल में जो अमाउंट रखा है, ये वो वाला अमाउंट रखा है विच इज आफ्टर द राइट्स इशू। राइट्स इशू हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इनके पास 1,200,000 शेयर्स रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये 1,200,000 कब इनके पास आए? इनके पास जनाबे वाला आया, पहले इनके पास शुरू से पढ़ना, डायरेक्टर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी रिसेंटली मेड राइट इशू ऑर्डिनरी शेयर एवरी 3 हेल्ड, 1 for every 3 held। अगर आपके पास X number of shares रखे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि आपको आपके 3 shares के बदले 1 share और मिल सकता है, ठीक है। तो X में आपने 1/3 X जो है वो और ये नए issue किए हैं आपने, ठीक है, और X plus 1/3 X जो है ये आपका 1,200,000 के बराबर बने, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके साथ ही लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 1/3 X, ठीक है जी। ये 1 plus 1/3 आपका 4/3 X हो जाएगा, तो 1,200,000 तो X आपका कितना आ जाएगा? X अभी हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, 1,200,000 इंटू 3/4,
तो ये जनाबी वाला कितना आएगा आपका, 900,000 बन जाएगा। तो पहले आपके पास 900,000 शेयर्स रखे थे, 900,000, ये 9 मिलियन लिखती है, 900,000 रखे थे, और जनाबे वाला उसके बाद आपने नए जो इशू किए हैं वो आपने 300,000 नए इशू किए हैं। एक तो बात ये पता चली, ठीक है। अब ये जो 300,000 इशू किए हैं आपने, ये आपने किस तरह इशू किए हैं? ये आपने इस तरह से इशू किए हैं कि आपने इन पे 1.5 रुपया चार्ज किया है, 1 रुपये शेयर कैपिटल की अमाउंट और आधा 50 पैसे जो है वो प्रीमियम, $1.50 आपने चार्ज किया है। तो ये जितना भी था, बेशक वो शेयर कैपिटल की अमाउंट हो, बेशक वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट हो, वो पूरी की पूरी आपके बैंक में आएगी। तो 300,000 को 1.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 450,000 आ जाएगा। अब आप बताएं आपने क्या किया था। चार लाख बन जाएगा। नहीं, वो सही नहीं होगा। ये इसमें जो देखने की चीज है कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है ना, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है, ये राइट इशू के बाद वाला आ रहा है। तो हमने पहले निकालना है कि राइट इशू से पहले कितना था, उसका 1/3 इशू हुआ है। तो राइट इशू से पहले का जो नंबर आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 900,000, और उस 900,000 के ऊपर उसका 1/3 जो है वो इशू किए, तो ये आपके 300,000 हो गए, ठीक है। और 300,000 शेयर्स के अगेंस्ट आपको 1.5 मिला, तो 450,000 ये आपके बैंक में आएगा। अच्छा जी, अगला सवाल। अ कंपनीज ईयर एंड इज 31 दिसंबर, 31 ड्यूरिंग द ईयर इसने 2 डिविडेंड दिए हैं, एक दिया है फाइनल डिविडेंड पिछले साल का, एक उसने दिया है इंटरिम डिविडेंड इस साल का। पिछले साल का जो डिविडेंड है वो इस साल में पे करेंगे हम, क्योंकि पिछले साल के आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो अप्रूव होता है, तो वो पे अगले साल में होता है। जो फाइनल डिविडेंड होता है, डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक फाइनल होता है कि जो फाइनल पूरे साल का प्रॉफिट है उसके ऊपर दे रहे हैं, एक इंटरिम होता है, वो कहते हैं कि यार साल के दौरान जो प्रॉफिट आया इसमें से भी कुछ शेयर होल्डर्स को दे दें, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इन्होंने 31 दिसंबर 2018 को ये पे किया है, ठीक है, ठीक है। अब है 1 फरवरी 2019, इन्होंने फाइनल डिविडेंड पे किया है 10,000 का, 31 दिसंबर 2018 के साल का। तो अब जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी बनाएंगे, किस साल की, जो साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को, उसमें कौन कौन सा लेके जाएंगे आप? सर, उसमें आप एक ये लेके जाएंगे पिछले साल का जो इस साल पे किया, और दूसरा आप इसी साल का जो आधे साल में जो इंटरिम डिविडेंड है वो लेके जाएंगे। जो इस साल का फाइनल डिविडेंड है ये 31 दिसंबर 2018 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी में नहीं आएगा, क्योंकि ये अगले साल जाके ये फाइनलाइज होगा और उसके बाद वो पे होगा। तो 15 + 8 = 23,000 जो है ये आपकी 31 दिसंबर 2018 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी में आना चाहिए। समझ आ गई वजह? अच्छा जी, 19 में ये कह रहा है विच इन्फॉर्मेशन वुड एन इन्वेस्टर गेन बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए बिजनेस, आइडेंटिफाइंग दैट द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के उसको सिर्फ ये पता चलेगा कि ये गोइंग कंसर्न है या नहीं, क्योंकि फ्यूचर में वो कितने डिविडेंड्स देते हैं अगेन टोटली उनका डिसीजन है, ट्रेडिंग उसकी कैसी होगी, मार्केट कंडीशंस, उन चीज़ों पे उनके बिजनेस डिसीजन पे डिपेंडेंट है। इस साल वो गोइंग कंसर्न है या नहीं, ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कंफर्म बता सकते हैं, ठीक है जी। डी हो गया इसका। अच्छा, अगली में ये बात कर रहा है इंफॉर्मेशन अवेलेबल लिमिटेड कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये तो अब तक आपको रट गया होगा किस तरह निकालते हैं। पहली बात ये कि आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, और इसको आप डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये आपका आ जाएगा 4475,
और जनाबे वाला ये डिवाइड किस पे होगा, ये डिवाइड आपका होगा इन तीनों अमाउंट्स पे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ये 175,000 पहली दो को ऐड करके हो जाएगा और दूसरी ये जो आखिरी है ये हो जाएगी 135679। ये आपका बनेगा 40475 डिवाइडेड बाय 175,000 प्लस 135679, 13.027 या 03%। ठीक है सर। अच्छा ये आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। जी। अच्छा जनाबे वाला अब हम ये देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि जो कॉस्ट्स हैं इसमें सीमिंगली दोनों मिक्स्ड हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो सर हम कहेंगे कि चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया, उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन टोटल यूनिट्स पे। चेंज इन कॉस्ट आया 53,500 माइनस 37,000, ये चेंज इन कॉस्ट आ जाएगा। और चेंज इन यूनिट्स कितना होगा, 14,000 माइनस 8,000। ठीक है जी। तो ये आपका 6,000 आ जाएगा और वहाँ अगर आप 37 निकालें, 53.5 माइनस 37, ये आपका आ जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाय 6। जी तो कितनी आ रही है आपकी सर कॉस्ट, 2.75। ये आंसर ऐसे कैलकुलेट किया था आपने। अच्छा अगले सवाल पे आ जाते हैं। चलो जी जय नमाज़ों वाला सवाल आ गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री, एस्टिमेटेड यूनिट सेलिंग प्राइस इज 20। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है और क्या यूज़ कर रहे हैं, फीफो। पहले इनके पास 1,000 जाए नमाजें आई 12 की, ठीक है, फिर इनके पास 1,000 जाए नमाजें आई 13 की, ठीक है, फिर इन्होंने 800 जाए नमाजें बेची। ये जो 800 बेचेंगे ये किस में से बेचेंगे, ये सबसे पहली जो लॉट थी उसमें से बेचेंगे। ठीक है, तो इसमें से जब 800 इन्होंने बेच दी तो इनके पास कितनी बची हैं, पहली लॉट में से 200 बची हैं। ठीक है, और 200 को 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 2400 आ जाएगा। इधर से 2400 की बची हुई हैं और कोई भी नहीं बेची इन्होंने। अच्छा 1,000 ये 13 की थी तो इनके 13,000 आ जाएंगे और फिर ये 14,000 की आ जाएंगी। ठीक है, तो वैसे मैं पूरा ऐड किए बगैर ही यहाँ पे देख लेता हूँ क्योंकि ये 400 कुछ बनेगी वैल्यू इसकी, सिर्फ एक वैल्यू है जो 400 वाली बन रही है वो ये। वैसे आप पूरा ऐड करके भी देख लें, ये 27+2 29,400। अगले क्वेश्चन पर जाए नमाजें आप गलत करते हैं, मुझे लगता है आप बिजनेस में कुछ खराबी करेंगे अपने। इन्वेंट्री कॉस्ट सर, तो आपने जाए नमाजों का हिसाब तो रखना है ना इन्वेंट्री का। जब हम मल्टीपल इन्वेंट्रीज आएंगी, तौलिये भी आएंगे, अहराम भी आएंगे, जायनमाज़ें भी, फिर अभी आपने आपने भी और बिजनेस भी करने हैं, चाय वाला क्या आप फैन है, को बिटकॉइन शिटकॉइन भी बेचने हैं आपने। अच्छा जी थ्रिल नहीं है, उसी में तो थ्रिल है, दोबारा गिरा हुआ है।
स्पेकुलेटिव मार्केट है बहुत ज़्यादा अभी। अच्छा जी, इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइसेस आर राइजिंग फॉर ए बिजनेस। एक बिजनेस जो है वो एवरेज कॉस्ट यूज़ करते हैं, द कंपनी यूजेस एवरेज कॉस्ट रादर देन फीफो टू वैल्यू इट्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री महंगी हो रही है, फीफो यूज़ करेंगे तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और इन्वेंट्री की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फीफो में पहले पुरानी इन्वेंट्री बेचेंगे जो पहले सस्ती थी। ठीक है, तो अगर फीफो यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, इन्वेंट्री भी ज़्यादा आएगी। एवरेज कॉस्ट यूज़ करेंगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी कम आएगी और प्रॉफिट भी कम आएगा एज़ कम्पेयर टू फीफो। समझ आइए रीज़न? अच्छा जी, अ कंपनी कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। आपकी तरफ बारिश हो रही है बहुत आज। बादल गरज रहे हैं भाई, सर्दी हुई है, स्वेटर स्वेटर पहने, बाहर निकले तो पहनना पड़ता। नमाज के लिए मस्जिद तो जा रहे हैं ना? ठीक है। कंपनी कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। 90,000 फॉर अ मंथ, ओपनिंग इन्वेंट्री 400 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 4,000 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000 थी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, तो इधर आपने ये ओवरहेड्स जो हैं इनको एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ, तो जनाबे वाला ओपनिंग इन्वेंट्री में भी एब्जॉर्ब कर दें। ओपनिंग इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब करेंगे तो 20 × 4,000 कितना बनेगा, 80,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 80,000 से बढ़ जाएगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितने से, 1,20,000 से बढ़ जाएगी। ओके, अजान कंप्लीट हो जाए, मैं फिर बात करता हूँ।
गाड़ी बाहर खड़ी है या अच्छा उसमें शेड में? चलें सर यहाँ देखें, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं फिर आप जाएं बारिश एंजॉय करें। देखें ये 20 पर यूनिट की जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है ये आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं हुई भी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 4,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 6,000। अगर ये मैं ओवरहेड एब्जॉर्ब करूँ तो ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 से बढ़ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 से बढ़ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ती है और प्रॉफिट कम होता है, ठीक है? तो इस 80,000 की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो 90,000 है इसमें से आपके 80 माइनस हो जाएंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है और प्रॉफिट बढ़ता है, तो इसका जो डिफरेंस है ये ऐड हो जाएगा +120, ठीक है जी? तो 90 माइनस 80, 120 करें कितना है? 90 माइनस 80 प्लस 120, तो ये 130,000 जो है ये आपका नया प्रॉफिट आएगा। खिड़की बंद है? मैं बोल ही नहीं रहा। अच्छा जी, पिछला वाला समझ आ गया आपको? अच्छा, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बजटेड लेबर आवर्स जो हैं वो 12,000 थे, ठीक है? और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 7.5 था, एक्चुअल ओवरहेड इतने आए हैं। तो कह रहे ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कितनी है? तो जनाबे वाला, जब आपका ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आया है ये आपने एक्चुअल लेबर आवर्स पे लगा दिया होगा, तो 7.5 × 15,000 कितना बनता है? एक लाख 12,500। एक 12,500 है एक्चुअल आपकी, ये है 101,250, तो इसमें से 101,250 माइनस कर दें। तो ये जनाबे वाला 11,250 की आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन हुई हुई है, ठीक है? अच्छा, अगले सवाल पे जाते हैं। अगले सवाल में ये कह रहा है बिजनेस हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिंगल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। तो सर कंट्रीब्यूशन आपका कितना आएगा? 30 माइनस 40 कितना होता है? 16। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है, और ये 16/30 आप कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ जाएगा, ये आपका बन रहा है 53.33%। अच्छा जी, कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। सेम मटेरियल इज बीइंग यूज्ड टू मेक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, कॉस्ट 2 पर किलो, ठीक है? शॉर्टेज है, किस ऑर्डर में इनको बनाना चाहिए? तो सर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लें कितना। कंट्रीब्यूशन तो निकालें, सबसे पहले पहली का आएगा 40 माइनस 18 माइनस 10, 12 आ रहे। अच्छा, फिर जनाबे वाला दूसरे का कितना आ रहा है? 48 माइनस 30, ये 18 आ जाएगा,
और इसका कितना बन रहा जनाबे वाला, 72 माइनस 48, ये कितना आ गया 24। अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो आप निकालेंगे 12/18, ये कितना आ रहा है, 12। आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या, डायरेक्ट मटेरियल, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, ये बात समझ आई। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे कि जो इसका लिमिटिंग फैक्टर है उससे कंपैरिजन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इसका 12/18 निकालेंगे, इसका 18/24 निकालेंगे, और इसका 24/30 निकालेंगे, ठीक है। तो 12/18 आपका बन रहा है 0.67, 18/24 ये 3/4 0.75 बनेगा, और 24/30 ये आपका बनेगा 0.8। तो जनाबे वाला, आपकी सबसे पहले प्रोडक्ट Z बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट Y बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट X बनाएंगे। आपको पहले ये लग रहा होगा कि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से हमने ये ऑर्डर चूज़ किए। हम इस वजह से ये ऑर्डर चूज़ नहीं कर रहे, हम पहले निकालते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। ये कोइंसिडेंटली इस सवाल में इस तरह हो रहा है कि जितना इनका कंट्रीब्यूशन है उसी रेशो में इनका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर भी आ रहा है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट हो, अगर ये डिफरेंट हो तो फिर हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है ना, ये जिसका स्कोर जितना ज़्यादा आएगा उसको सबसे पहले बनाएंगे। अभी इनका ये जो स्कोर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, ये सेम आ रहा है कंट्रीब्यूशन के स्कोर के रेशो में, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा ये स्कोर है उसका सबसे ज़्यादा वो वाला स्कोर भी है, इस वजह से ये इसमें आंसर सेम आ रहा है। अदरवाइज किसी सवाल में अगर ये डिफरेंट होगा तो हम इसको देख के बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आंसर बहरहाल इसका यही है। अच्छा जी, आखिरी तीन जल्दी से देखें। लास्ट मंथ कंपनी मेड एंड सोल्ड 10,000 यूनिट्स, ठीक है। एक सेकंड रुकें, गुड, अच्छी बात है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 था, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम 20% से बढ़ गया, तो इसका मतलब है 12,000 बेचे हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% से इंक्रीज हो गया, तो 20 × 1.05 तो ये 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15% इंक्रीज हो गई है, तो 120 × 1.15 तो ये आपकी 138,000 नहीं हो जाएगी, अच्छा इट्स फाइनल प्रॉफिट, अच्छा सॉरी 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 सही है, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट है। अच्छा, तो आपका किस तरह बनेगा, आपका पहले था 20,000 का कंट्रीब्यूशन था, नहीं 200,000 का कंट्रीब्यूशन था, और 120 का आपका प्रॉफिट था, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी फिक्स कॉस्ट वो आपकी आएगी 180,000, सॉरी खाली 80,000, 80,000 जो है ये आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी, राइट। तो 80,000 अब 15% से इंक्रीज होगी, तो ये आपकी बन जाएगी 92,000 हो जाएगी, ठीक है। और वो कह रहा है कि अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा, तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लें, 21 × 12,000, 21 × 12 तो ये आपका बन जाएगा 252,000, और इसमें से आप 92,000 माइनस कर देंगे, ये 160,000। ठीक है, विद स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, आर करेक्ट। फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर ए रेंज ऑफ एक्टिविटी, सही है, ये ट्रू है। प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नहीं ये फॉल्स है। अच्छा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से आप ये कर रहे होते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस।
फिक्स्ड कॉस्ट आप अलग से ट्रीट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। सेल्स रेवेन्यू इंक्रीजेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, ठीक है। देर इज ओनली वन प्रोडक्ट और कॉन्स्टेंट सेल्स मिक्स, ये भी ठीक है। या तो आप प्रोडक्ट को ही एक चूज करते हैं, या आप कहते हैं सेल्स मिक्स जो है वो प्रोडक्ट्स अगर मल्टीपल हैं तो उनका आपस में ये रेशो होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, बिजनेसेस बजट क्यों बनाते हैं? बिजनेसेस बजट बनाते हैं कम्युनिकेट प्लान्स, ये करना है हमने, ट्रू। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, ट्रू। टू प्लान एनुअल ऑपरेशंस, ट्रू। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के लिए भी बजट बनाते हैं आमतौर पर, लेकिन नहीं, पहली बात तो ये कि चारों आपको ऑप्शन वो दे नहीं रहा, और इतनी बजट यूजुअली शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए होता है, ठीक। तो इसके लिए जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा।